तो नमस्कार दोस्तों, परमात्मा ऑडियो की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 500 वाट का बोर्ड है उसका आपको मैं वायरिंग बताऊंगा कि कैसे इसका वायरिंग करना है और कैसे इसका लोड टेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लोड मीटर पे आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। इस लोड मीटर पे टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और स्पीकर भी इसके ऊपर चला के दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लगभग 2 ओम से भी नीचे का लोड गिरा रखा है, क्योंकि अपने जो ट्रैक्टर वाले स्पीकर हैं उनको लोड दे रखा है, जो कि आप जानते हो वो कितने ओम्स के आते हैं, 4 ओम्स पे भी गिर जाते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कुछ लोड देने वाला हूँ। कई लोग क्या बंदे लोग क्या कहते हैं, जो अपना ऑडियो बोर्ड आता है 500 वाट का जो भी है, उसको अपने को जो 4 स्पीकर से ज्यादा लगा देते हैं, मतलब कि 6 स्पीकर लगा देते हैं। वैसे स्पीकर में कोई इश्यू नहीं आता है, एम्पलीफायर में भी इश्यू नहीं आता है, लेकिन जो क्वालिटी आपको चाहिए, तो इसको अगर 4 स्पीकर या आप 12-12 इंच अगर हैवी स्पीकर है तो 2 स्पीकर के ऊपर यूज कीजिएगा। अगर आपको तगड़ा प्रेशर चाहिए, आपको ऐसा चाहिए ना तगड़ा, तो आप इसको 2 या 4 स्पीकर के ऊपर यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो कई लोग क्या बोलते हैं, क्लास डी के अंदर क्वालिटी नहीं आती है। भाई उनको क्वालिटी का पता नहीं है, अगर वो आप इस ऑडियो को सुनना है इसकी को, ठीक है, फिर बताना है कि इसके अंदर क्वालिटी क्या चीज है और क्या क्वालिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो मार्केट में जो डुप्लीकेट बोर्ड ले लेते हैं और फिर बोलते हैं इसके अंदर क्वालिटी नहीं आती है, आप जैसे इसके अंदर बेस्टरबल वगैरह यूज करोगे ना, तो उस प्रकार से क्वालिटी निकलती है। और इसके अंदर जो टेक्निकली द्वारा इसको नापा जाए, तो क्लास डी की ऑडियो क्लास AB जो अपनी आती है 1943-5200, उससे इसका ऑडियो टेस्टिंग काफी जबरदस्त आता है और क्वालिटी, साउंड क्वालिटी में इससे ज्यादा कहीं बेहतर इसके अंदर आती है। इसकी जो ऑडियो होती है, इसको क्रॉसओवर अगेन किसी भी चीज के अंदर ले जाया जा सकता है, ना ही क्लास AB की को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑडियो बोर्ड होने वाला है हमारे पास 500 वाट का। कई लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कई लोग क्या बोलते हैं, उनके पास जो माल नहीं होता है तो वह जलने लग जाते हैं और बिना फालतू के कमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उन कमेंटों को मद्देनजर रखते हुए हम बता रहा हूँ, जलने वालों की संख्या अब बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि उनको जानते हैं कि परमात्मा ऑडियो कैसा माल दे रहा है। जो लोग हमको जानते हैं उनके कमेंट आप देख सकते हो कितना प्यार भरा है। ठीक है, किसी के साथ गलत किया है वो कमेंट कर दे, ठीक है, उसको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, किसी के साथ गलत किया हो या फ्रॉड हुआ हो, ठीक है, माल नहीं भेजा गया हो या कुछ माल में कमी रह गई हो, वो बता सकता है। और बाकी आपको ऑडियो बोर्ड आप देख सकते हैं कितना खतरनाक इसका लुकिंग रहने वाला है, और टेस्टिंग करके दिखाऊंगा मैं इसका और वायरिंग भी इसका बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बोर्ड के ऊपर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लुकिंग देख सकते हो कितना जबरदस्त इसका लुकिंग रहने वाला है, ब्लैक PCB के अंदर होने वाला है। ठीक है, बॉटम लेयर भी इसकी जो है ब्लैक के अंदर ही है, ठीक से देख सकते हो इसकी बॉटम लेयर भी। और बाकी यहाँ पर इसको अगर आपको इसके अंदर ऑडियो बोर्ड को कसना है, अगर कैबिनेट में जगह कम है तो आप इसको इस प्रकार से रख सकते हो यहाँ पर होल करके, और बाकी आप इस तरह भी रख सकते हो, जो कि यहाँ पर होल हो जाएगा, यहाँ पर होल नहीं किया है, एक होल यहाँ पे हो जाएगा, एक होल इधर साइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपके कैबिनेट के अंदर से आसानी से फिट हो जाएगा। 13-13 कैबिनेट के अंदर भी रखना चाहते हो तो 13-13 कैबिनेट के अंदर भी आ सकता है ये इतना सा, क्योंकि 4-12 इंची अपने 155 मैग्नेट के स्पीकर हैं, वो काफी आसानी से रन करा देगा। और बाकी जो लोग बोलते हैं कि कितना आउटपुट ये निकाल के दे देगा हमें, ठीक है, मेन बात यही आती है। अगर इसके ऊपर आप लगा सकते हो 40-40 अपने DC कन्वर्टर की सप्लाई आती है। ठीक है, ये अपने 50-50 है। ठीक है, इसके वोल्टेज में चेक कराऊंगा कितने आ रहे हैं, 50-50 या 60-60 आप आसानी से इस पर रन करा सकते हो। जितना आप हैवी लगाओगे उस हिसाब से ये आउटपुट देगा, ऑडियो बोर्ड का काम यही होता है। लेकिन इसको लगभग 65-65 से ऊपर मत ले जाइएगा, क्योंकि तो इसको इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी इसकी सेट की गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर लेके जाओगे तो कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं जो जल जाएंगे आपके। ठीक है, 60-60 65-65 से ऊपर इसको नहीं देना है। इसको अगर आपको अच्छी आउटपुट ही चाहिए ना इस बोर्ड को आपको लेना है, तो 40-40 या 50-50 से आप आसानी से इसे रन करा सकते हो, और 4 अपने वूफर स्पीकर या अपने जो सब वूफर स्पीकर हैं वो आप आसानी से रन करा सकते हो, 4-4 ओम के या कैसे भी आपका वूफर स्पीकर हो या DJ स्पीकर हो। ठीक है, और ये सबके अंदर चलेगा। आप इसे क्रॉसओवर लो पास फिल्टर लगा के अपने सब वूफर बजा सकते हो, जो कि JBL वगैरह के आते हैं, वो भी आप इस पर आसानी से चला सकते हो। हीटिंग का इसके अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो MOSFET है वो पूरी तरीके से स्विच हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्विच नहीं हो पा रहे, हीट हो रहा है बोर्ड। ठीक है, पूरी तरीके से MOSFET स्विच है। और यहाँ पर देखिए इसका क्वालिटी के पहले इसका वायरिंग बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए वोल्ट माइनस, और इसके अंदर लिख रहेगा स्पीकर और ग्राउंड, यानी कि स्पीकर और ग्राउंड से आपका स्पीकर के दोनों वायर निकल जाएंगे, ग्राउंड से माइनस का, स्पीकर के अंदर से प्लस का, स्पीकर का वायर माइनस और ग्राउंड और प्लस, 3 वायर बच जाती है अपने इस बोर्ड के अंदर से। जो तीनों की 3 वायर देखिए, यहाँ पर हमारा जो DC कन्वर्टर है 12 वोल्ट से 50-50 का कन्वर्टर होने वाला है, जो कि माइनस माइनस के अंदर चल जाएगा, वोल्ट प्लस के, और ग्राउंड है तो हमारा ग्राउंड में चला जाएगा। इसका कनेक्शन कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप इसे आसानी से रन करा सकते हो, अपने हिसाब से कहीं पे भी चला सकते हो। ठीक है, और बाकी इसका इनपुट आपको देना है यहाँ पर। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए भी हमने इसमें लिया है, क्योंकि कई भाई लोगों को वॉल्यूम में बहुत दिक्कत आती है कि वॉल्यूम कैसे लगाएं, जो नए बंदे काम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वॉल्यूम में उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसा पिन पोजी पोइए। ठीक है, ऐसे कैसे और ऐसे कैसे खड़ा का खड़ा आप वॉल्यूम लगा दीजिए, ऐसे कैसे ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम लग जाएगा, और बाकी ये इनपुट है, इसको डायरेक्ट आप ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी दे सकते हो, जिससे कि हम डायरेक्ट हो जाएगा। और बेस ट्रबल आप लगाना चाहते हो तो बेस ट्रबल भी आप कोई से भी अपने मनपसंद के हिसाब से लगाइए, बेस ट्रबल हमारे पास मिल जाएगा, बेस मीटर पर। अगर आपको प्रोफेशनल बेस ट्रबल चाहिए अच्छे ओप एम्प पे काम करने वाली, वो भी हमारे पास बेस ट्रबल आपको मिल जाएगी, 4IC 2IC 1IC के अंदर ओप एम्प जो भी चाहिए आप IC वगैरह की। ठीक है, सब हमारे पास मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट ही अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि अपना लीड है होता है, इसको डायरेक्ट अपने मोबाइल से कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए मैंने हल्की वायर लगा के आपको टेस्टिंग कराया, क्योंकि वायरिंग मतलब ये बोर्ड होता है क्लास डी ऑडियो के अंदर, इसका एफिशिएंसी क्या होता है कि क्लास AB से
कि यहाँ पर जो 50 से 50 वोल्टेज आया क्लास डी के अंदर, तो वो ऐसा नहीं है वोल्ट ड्रॉप हो जाए और अपना एफिशिएंसी घट जाए। मतलब कि इसकी जगह अगर आप क्लास ए बी का वोल्ट लगा दोगे 50 से 50 सप्लाई के अंदर, इसकी पावर के अंदर, तो मतलब कि 500 वाट दे रहा है ना, 500 वाट का आपने लगाया क्लास ए बी का, तो आपको लगभग 350 से 400 वाट ही निकाल के देगा, है ना। और ये अगर आप उसी जगह में आप क्लास डी ऑडियो बोर्ड को लगाओगे तो 500 वाट के लगभग ले जाएगा। उसका कारण क्या होता है, क्लास ए बी में जो अपना वोल्टेज ड्रॉपिंग होता है, जो हीटिंग लॉस होता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपना पूरा फुल ऑडियो अपने स्पीकर के अंदर नहीं दे पाता है, वो कुछ डाटा होता है उसका जो हीटिंग लॉस के अंदर चला जाता है, मॉसफेट वगैरह उसके पूरी तरीके से स्विच नहीं हो पाते इस वजह से, ठीक है। इसके अंदर फुली स्विचिंग हो जाता है, जो अपनी यहाँ पर जो सप्लाई है उसके मतलब 95% तक आपको आउटपुट निकाल के दे देगा ये क्लास डी ऑडियो बोर्ड। और जो क्लास ए बी बोर्ड होता है जो कि 1943 बाउंस होता है, वो लगभग 75 या 80% तक ही आपको निकाल के दे पाएगा, इतना इसके अंदर पावरिंग होता है, ठीक है। स्विचिंग वगैरह काम होता है, सब स्विचिंग का खेल है, ठीक है। बाकी इसका आपको ऑडियो टेस्ट करा के दिखाता हूँ, सबको छोड़िए, और बाकी इसके वायरिंग भी शॉर्ट करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट बोर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है आपने बोर्ड खरीद लिया खराब हो गया और आपने फेंक दिया, ऐसा इस बोर्ड के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, काफी सेफ्टी के साथ इसको बनाया गया है। वायरिंग भी इसकी शॉर्ट करके दिखाऊंगा मैं हल्की तरीके से। बाकी इसके अंदर सॉफ्टवेयर स्टार्टर भी आप लगा सकते हो, मतलब कि जो अपना आता है रिले जिसे आप बोलते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन, उसको भी लगा सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ी देर वायर शॉर्ट हो जाएगा तो ये अपने जो कोर है वो अपना सैंडिस्क कोर जो अपनी चार्जिंग ले जाएगी, ठीक है, जो चार्जिंग ले जाएगी, तो इसमें कुछ खास इसके अंदर वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से थोड़ी देर में कुछ होने नहीं वाला है। बाकी यहाँ पर वायरिंग शॉर्ट होकर रह गया थोड़ी देर ज्यादा, तो आपको मॉसफेट उड़ने की शिकायत देखने में मिल सकती है। अगर उसको भी नहीं बचाना चाहते ना, आप सॉफ्ट स्टार्टर भी लगा सकते हो अगर आप एसी एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो, ठीक है, डीसी में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आईसी यूज हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मेन आईसी है ओपन कराने के लिए TL-01 आईसी यूज की गई है। इसके बाद आपने सिग्नल को वेव में बदलने के लिए LM311 का यूज किया गया है। और बाकी क्वालिटी इसका अंदर देखते पूरा टोटली ओरिजिनल माल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट से उठा के लगा दिया है, पूरा कंपनी का ब्रांडेड माल मिलेगा, ठीक है। बाकी इसको चला के मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्टिंग भी दिखाता हूँ इसकी, तो आप वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप नए बंदे हो तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि आपके लिए मैं और भी काफी सारे बोर्ड लेके आने वाला हूँ IGBT वगैरह के अंदर, ठीक है, जो मैंने डीजे के लिए काफी जबरदस्त बोर्ड ऑडियो बोर्ड होने वाले हैं, काफी अलग ही तरीके से वो डिजाइन होंगे, ठीक है। बाकी आप डीजे की तरह भी चला सकते हो उनको, ठीक है। इसको अगर आप होम ऑडियो या आप एसी का एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो लगभग इसमें 35-35 ट्रांसफार्मर या 40-40 ट्रांसफार्मर आता है अपना, जो कि 10 एम्पियर का, वो भी आप लगा सकते हो, 8-10 एम्पियर पे वर्क कर जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि ये क्लास ए बी 1943 की तरह लोड लेके और तब आप आउटपुट दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये वायर लगाई है हल्की, ठीक है, इन पे तक वर्क कर जाएगा, नहीं तो उसको अगर इतना पावर पे चलाओगे ना तो ये वायर बिल्कुल हीट होने लग जाएंगे बहुत तेजी से, ठीक है। ऐसे इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, इसके लिए मैंने ये वायर को आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इसका टेस्टिंग देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। आपने टेस्टिंग देख लिया होगा कि कितना जबरदस्त इसका टेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। टेस्टिंग में तो काफी जबरदस्त है ये, और यहाँ आपने देखा होगा डैम्पिंग फैक्टर भी इसका काफी तगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर नॉइस का भी कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कोई नॉइस आ रही हो, बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई नॉइस इसके बोर्ड के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी कई लोगों को इंतजार है कि भैया प्राइस कब बताएंगे, ठीक है। तो प्राइस की तो बात ऐसी है कि प्राइस वीडियो में आपको नहीं बताई जाती, क्योंकि 120 या आप क्वांटिटी पे लेते हो तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो बाकी अपना कैटलॉग मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप पे जाइए मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैसेज ही कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, दिन में 250-300 कॉल आ जाते हैं हमारे पास, तो हम व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा शाम तक, ठीक है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी 1 पीस लोगे तो भी आपको अच्छा ही प्राइस लगेगा, ऐसा नहीं है कोई गलत लगा दिया प्राइस। बाकी मार्केट से काफी सस्ता बोर्ड मिल जाएगा और एक नंबर क्वालिटी मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि हम जाने जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि डुप्लीकेट माल दे दिया और वो खराब हो गया और रिपेयर भी करके नहीं दे रहे, ठीक है। अगर आपका बोर्ड ये बोर्ड खराब हो गया तो उसको रिपेयरिंग हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर इशू नहीं है कि अपने बोर्ड खराब हो गया भाई इसको उठाकर फेंकना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इसके अंदर। और हीटिंग वगैरह काफी तगड़ा देखने मिलेगा, जिन्हें भाई को चाहिए वो आप व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए धन्यवाद।